हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ है एंड इट्स अपर्चर डायमीटर डी फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ इंटेंसिटी आई। नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर्चर अप टू डायमीटर डी बाई टू इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक पेपर। द फोकल लेंथ एंड इमेज इंटेंसिटी वुड चेंज टू। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिन लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ एफ है और इसका जो अपार्चर डायमीटर है वो डी है। रियल इमेज बनाता है इंटेंसिटी जिसका आई है। अब कह रहा है कि जो अपार्चर है उसका सेंट्रल पार्ट डायमीटर जिसका डी बाई टू है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है किसी एक ओपेक पेपर से। तो अब ब्लॉक करने के बाद इसका फोकल लेंथ और इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है, ब्लॉक करने के बाद। तो देखो इसका जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ये है, दो की कॉन्सेप्ट है। पहला की कॉन्सेप्ट है कि इंटेंसिटी के बारे में बात किया है, तो इंटेंसिटी जो है ए के प्रपोजनल होता है। इंटेंसिटी ए के प्रपोजनल होता है, ए मतलब एरिया के प्रपोजनल होता है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर। डी क्या है, डी है यहाँ पे डायमीटर, ठीक है। और दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है इसका जो फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है म्यू माइनस वन इंटू टू अपॉन आर, ठीक है। ये दो फॉर्मूला इसका की कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं कैसे की कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में बात किया फोकल लेंथ के बारे में, फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखो फोकल लेंथ का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस वन इंटू टू बाई आर। तो क्या जब ब्लॉक किया गया तो थीन लेंस का म्यू चेंज हुआ, नहीं। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ, नहीं। तो जब ये दो चेंज नहीं हुआ जिस पर की फोकल लेंथ डिपेंड कर रहा है, तो फोकल लेंथ आल्सो डज नॉट चेंज। फोकल लेंथ आल्सो डज नॉट चेंज। तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, एफ के बराबर। तो बी या डी हो सकता है, सी और ए तो ऑप्शन कट गया। अब आते हैं इंटेंसिटी पे। तो इनिशियली इसका इंटेंसिटी कितना था, इनिशियली इसका इंटेंसिटी अगर आई वन मानो तो वो था ए के बराबर, मतलब के ए, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए के डाल दिए, तो ये आ गया के पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये आ गया कितना, के पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। ये था इनिशियल इंटेंसिटी। सिमिलरली आई टू क्या हो जाएगा, आई टू होगा के ए टू, और के ए टू क्या है, ए टू है पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, मतलब ए टू क्या होगा कि जितना इसका एक्चुअल एरिया है उसमें से जो ब्लॉक एरिया है उसको घटा देंगे तो अभी उतना एरिया बचा रहेगा। तो अभी इसका कितना एरिया, कितना मतलब डायमीटर इसका ब्लॉक किया, डी बाई टू, तो रेडियस क्या हो गया, डी बाई फोर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई डी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे यहाँ डी बाई फोर आ जाएगा। तो ये आ गया पाई डी बाई फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जैसे घटाए तो ये आ गया पाई इंटू के डी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 16। तो इसको कॉमन लिए तो ये आ गया 16 और ये आ गया 4, तो ये आ गया 3 पाई के डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये है आई टू, और यहाँ पे आई वन कितना है, आई वन है पाई के डी स्क्वायर बाई फोर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 बाई 4 इंटू पाई के डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो गया आई टू के बराबर। और आई वन क्या था, आई वन था पाई के डी स्क्वायर बाई फोर, मतलब ये आई वन के बराबर है। तो ये आई वन के बराबर है, तो ये यहाँ से निकल के क्या आ गया, आई टू इज इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू आई वन। तो देखो इंटेंसिटी घट के 3 i/4 हो गया और फोकल लेंथ सेम हो गया। तो हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।